हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। मित्रों, 2019 में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे 2019 में नियुक्त नवनियुक्त नए राज्यों के राज्यपाल। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन जिन परीक्षाओं में आपके हर परीक्षा में जो भी वनडे एग्ज़ाम फेस करते हैं, मोस्टली आप जो भी एग्ज़ाम फेस करते हैं और टीचिंग एग्ज़ाम आप फेस करते हो, तो उसमें जो जीके का पार्ट रहता है उसमें करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो करंट अफेयर की दृष्टि से आज बातचीत करेंगे इस वीडियो में हम लोग नए राज्यों के नए राज्यपाल जो आपके नियुक्त हुए हैं उनके बारे में, जिनमें प्रमुखता से कई राज्य हैं। तो इस देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हमने करा दिए है, तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से फ्री में ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, और डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है। जितने भी 2019 में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राम नाईक, केसरीनाथ त्रिपाठी, आनंदीबेन पटेल या रामेश्वर शर्मा। इसका करेक्ट ऑप्शन है मित्रों, अगर आपने सी ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के नई राज्यपाल नियुक्त हुई हैं आनंदीबेन पटेल जी, तो याद रखिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? लालजी टंडन, केसरीनाथ त्रिपाठी, रामनाथ पटेल या रामेश्वर शर्मा। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आपने ऑप्शन लगाया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं लालजी टंडन। तीसरा प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन हैं? कलराज मिश्र, बंडारू दत्तात्रेय, सुरेश प्रभु या रामेश्वर शर्मा। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? अनसुईया उइके जी, राम दुलार वाजपेयी जी, सुरेश प्रभु या रामेश्वर शर्मा। तो छत्तीसगढ़ के जो नए राज्यपाल हैं वो अनसुईया उइके को नियुक्त किया गया है। अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ की नई राज्यपाल नियुक्त की गई हैं। चलिए अगले प्रश्न पर गौर करते हैं। बिहार के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? संदीप सिंह, फागु चौहान, नाथेश्वर या बंदीप शर्मा। तो बिहार राज्य के नए राज्यपाल फागु चौहान जी नियुक्त किए गए हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, राजस्थान के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? संदीप सिंह, कलराज मिश्र, नाथेश्वर या बंदीप शर्मा। तो आपने अगर ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल करेक्ट सुना है, राजस्थान के नए राज्यपाल कलराज मिश्र को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? पद्मनाभ आचार्य, कलराज मिश्र, राम बिहारी या बंदीप शर्मा। तो मणिपुर के नए राज्यपाल आपके ऑप्शन ए पद्मनाभ आचार्य जी को नियुक्त किया गया है। पद्मनाभ आचार्य को मणिपुर के नए राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आठवां प्रश्न, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? पद्मनाभ आचार्य, जगदीप धनगढ़, कोतवाल सिंह या कलेश शर्मा। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल करेक्ट चुना है, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल जगदीप धनगढ़ को नियुक्त किया गया है। नौवें प्रश्न पे आते हैं, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? रमेश बैस, जगदीप धनगढ़, कोतवाल सिंह या कलेश शर्मा। जी बिल्कुल, आपने एकदम करेक्ट ऑप्शन चुना है, ऑप्शन ए रमेश बैस को त्रिपुरा के नए राज्यपाल का जिम्मेदारी दिया गया है। अगला प्रश्न है, नागालैंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? रमेश बैस, आरएन रवि, कोतवाल सिंह या जगमोहन सिंह। तो नागालैंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं आपके बी ऑप्शन, आरएन रवि को नागालैंड के राज्यपाल की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, आरएन रवि। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? विश्वभूषण हरिचंदन, आरएन रवि, कोतवाल सिंह या जगमोहन सिंह। तो आपने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चूज़ किया होगा, ए ऑप्शन विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो मित्रों, ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो ऐसे ही MCQ फॉर्म में प्रश्न आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही सारे करंट अफेयर की सीरीज़ चाहते हैं आप पर डे आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? भगत सिंह कोश्यारी, RN रवि, कोतवाल सिंह या जगमोहन सिंह? तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल आपके भगत सिंह कोश्यारी को नियुक्त किया गया है। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 13वां प्रश्न है, केरल के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो केरल के नए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, RN रवि, आरिफ मोहम्मद खान या जगमोहन सिंह? तो आपने अगर सी ऑप्शन चूज़ किया तो आपने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चुना है। आरिफ मोहम्मद खान को केरल के नए राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई है। 14वां प्रश्न है, तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तमिलिसाई सौंदरराजन, RN रवि, आरिफ मोहम्मद खान या जगमोहन सिंह? तो अगर आपने ऑप्शन ए चूज़ किया तो बिल्कुल आपने तेलंगाना के नए राज्यपाल करेक्ट चूज़ किया है। तमिलिसाई सौंदरराजन को तेलंगाना के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी गई है। तो अब आगे चलते हैं और आज का GK चैलेंज क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, और हर एक वीडियो में अब आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में रहेगा। कैलाश मंदिर किस गुफा में अवस्थित है या स्थित है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर, ये कौन सी गुफा में है? अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, हाथी गुम्फन गुफाओं में या महेंद्रगिरी की गुफाओं में? इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैलाश मंदिर कहाँ पर किस गुफा में स्थित है। और इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप राय एजुकेशनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे हम फ्री में इसकी PDF प्रोवाइड कर देंगे। सो मैक्सिमम शेयर करते रहिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।